नमस्कार दोस्तों, हमारे भारतीय रेल में आए दिन कोई न कोई रेल दुर्घटना होती है। उसी घटना में से एक घटना बिहार के मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल लाइन पर हुआ है। इस दुर्घटना में ट्रेन में बैठे यात्री अचानक से घबरा जाते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल लाइन पर पटरी टूटी हुई थी। उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों, क्या है पूरी घटना जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, होता यूं है कि मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल लाइन पर मघौल के नजदीक रेल पटरी करीब 10 इंच तक टूटी हुई थी। उसी दौरान इस रेल ट्रैक पर ट्रेन संख्या 05253 मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। जब ये ट्रेन टूटी हुई पटरी से क्रॉस हुई तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद ट्रेन के लोको पायलट ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। अच्छी बात ये रही कि ट्रेन पलटने से बच गई, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना बिहार में हो सकती थी। इस घटना के दौरान ट्रेन में बैठे यात्रियों में अचानक ट्रेन रुकने से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दोस्तों, ये बड़ी दुर्घटना आज सुबह की है। आपको बता दें, ट्रैकमैन की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। इसके कारण करीब 2 घंटे ट्रेन रुकी रही। इस ट्रेन को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रोक कर रखा गया। कुछ देर बाद इंजीनियर विभाग व रेल अधिकारी के साथ कर्मी भी मौके पर पहुंचे। फिश प्लेट लगाकर रेल पटरी को दुरुस्त किया गया। इसके बाद मेमू पैसेंजर ट्रेन को खोल दिया गया। तेज धूप और गर्मी में यात्री परेशान होते रहे। तो दोस्तों, इस बड़ी दुर्घटना के बारे में आप है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।